नमस्ते दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जो कि यू जी कृष्णमूर्ति को बहुत ही डेस्परेटली सुनना चाहते हैं, उनके ओपिनियन क्या हैं, उनकी किताबों के बारे में सुनना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने ढेर सारे वीडियोस के नीचे ये कमेंट डाला है कि ये तीन किताबें पढ़िए या तो उनकी वीडियोस देखिए और उनके बारे में कुछ कहिए यूट्यूब पे। देखिए, एक चीज़ थोड़ा समझिए, हमारे फ्रेंड्स, हमारे डियर नियर फ्रेंड्स, मैं जब कोई किताब पढ़ता हूँ तो मैं किसी ऑथर को नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपने माइंड को पढ़ता हूँ। बेसिकली जब भी मैं किसी किताब को पढ़ता हूँ तो उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मुझे क्लैरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये मेरा क्वेश्चन होता है। अभी डॉक्टर पीजे सहर की टोटल चार किताबें इंग्लिश में हैं हमारे पास। जेन योगा है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग है, हैप्पीनेस एंड इमोर्टैलिटी है, जो चारों अभी हम लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन उसमें से एक किताब है ईस्टर्न विजडम वेस्टर्न थॉट, और एक उनकी एक बुक है जो कि नॉवल टाइप की है, स्पिरिचुअल नॉवल है, द चेंबर ऑफ टॉर्चर चेंबर करके। वो अभी हमने उसकी अभी तक बुक बनी नहीं है, एक ही कॉपी है हमारे पास। बट ये सारी की सारी मैंने कंप्लीट नहीं की है, मैंने अभी खाली तीन ही कंप्लीट की हैं, बाकी दो पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। क्यों नहीं कंप्लीट की? क्योंकि मेरा माइंड किसी चीज़ को पढ़ के किस तरह से डिकोड कर पा रहा है, ये सवाल है, ना कि कौन सा राइटर इम्पॉर्टेंट है। यू जी कृष्णमूर्ति के बारे में मैंने काफ़ी साल पहले कुछ किताबें पढ़ी थी, अब तो मेरी मेमोरीज में भी नहीं है, और उस उनको पढ़ करके मेरे माइंड में जो रिस्पॉन्स आया था वो बहुत क्लैरिटी का नहीं था। और यही चीज़ मेरे साथ हुआ था जब मैंने कृष्णमूर्ति को पढ़ा था, जे कृष्णमूर्ति को पढ़ा था, तब भी यही हुआ था। शुरू शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था। हम सबके साथ यही होता है, नहीं? हम जब कोई किताब उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, जब समझ में नहीं आता है तो हम उसको रख देते हैं, एज सिंपल एज दैट। यू जी कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ थे शुरू शुरू में, और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से बहुत जगहों पर लेक्चर्स दिए थे, बट वो काफ़ी परेशान थे बेचारे, जैसे हम सभी परेशान होते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म को खोज रहे थे। और बहुत बार वो जय कृष्णमूर्ति से मिले, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे जय कृष्णमूर्ति के दलीलों से, और उनके जो भी टीचिंग्स देते थे उनको सुन सुन करके केवल वो बेचारे बहुत ध्यान से सुनते थे, लेकिन वो कहीं कुछ मिलता ही नहीं था उनको। और उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब थी, शादी हुई, फिर डिवोर्स हुआ, फिर कभी फाइनेंशियली भी बड़े डिस्टर्ब थे बेचारे। एक बार वो उनसे मिले थे, रामण महर्षि से मिले थे, बिकॉज उस टाइम जैसे मैं यू जी कृष्णमूर्ति डेवलप हो रहे थे शुरुआत के दिनों में, उस टाइम रमण महर्षि बहुत ही इस्टेब्लिश्ड मास्टर माने जा चुके थे। तो जब भी उनके पास पहुँचे तो उन्होंने एक एक सेंटेंस कहा कि क्या तुम मुझे एनलाइटन कर सकते हो? तो रमण महर्षि ने बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस कहा, वो आपको भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम, उन्होंने ये कहा था कि क्या तुम मुझे एनलाइटनमेंट दे सकते हो? उन्होंने कहा था मैं दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुम ले सकते हो? कहते हैं उसके बाद से उनका रवैया चेंज हो गया। उसके बाद से यू जी कृष्णमूर्ति ने एक चीज़ को पकड़ा, और वो नकारना। जितने भी दुनिया में स्पिरिचुअल टीचर्स हैं उन सबको नकारना, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि दुनिया में स्पिरिचुअल टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं है, ये ब्लॉक हैं और ये बहुत बड़ा शैम है, बहुत बड़ा छलावा है दुनिया में। देखिए, सबसे बड़ा छलावा तब आता है जब आप किसी के ऊपर अपनी उम्मीदों को टांग देते हैं। जैसे हम अपने कपड़े टांगते हैं हैंगर में, ऐसे जब हम दूसरे के ऊपर अपनी उम्मीदों को टांग देते हैं और उससे हमको वो चीज़ें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ही। मैंने बार बार कहा है कि एनलाइटनमेंट कभी भी कोई और इंसान हमको नहीं दिला सकता। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो से एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। एनलाइटनमेंट अपने ही माइंड की मेच्योरिटी की चीज़ है। तो जब आप किसी कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, या ओशो को पढ़ते हैं, या रमण महर्षि को पढ़ते हैं, सो कॉल्ड यूजी कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, तो आप अपने माइंड को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं समझने के लिए, खुद के माइंड को, ना कि दूसरे के विचारों को। क्योंकि दूसरे के विचारों में अगर आप घूमते रहेंगे तो आप शब्द पकड़ पे आएंगे आपके। अब वो पूरी जितनी भी किताबें मैंने उनकी पढ़ी थी, दो तीन किताबें जो पढ़ी थी मैंने, उसमें यही मुझे समझ में आया कि आशीष, तुम्हें किसी भी गुरु के पास नहीं जाना, एक खुद ही तुम्हें अपने ऊपर काम करना होगा। लेकिन क्या काम करना होगा ये बहुत क्लियर नहीं होता था मुझे।
सारी विधियों को उन्होंने काट दिया, बोलते कोई विधि नहीं है दुनिया में, ना कोई मास्टर इंपॉर्टेंट है ना कोई विधि इंपॉर्टेंट है, बस नेचुरल तरीके से जियो, जैसे जीव जंतु रहते हैं, जैसे जानवर रहते हैं, अपनी बॉडी की सुनो जैसा तुम्हारी बॉडी कह रही है। और काफ़ी साल तक मैं इसको करता भी रहा जैसे जैसे मेरा बॉडी कहता था, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी बहुत लाइफ कहीं आगे जा नहीं रही थी इसकी वजह से। इसी वजह से मैंने यूजी कृष्णमूर्ति को उन दिनों फिर किताब बंद करके रख दिया। इनफैक्ट एक ही किताब मैंने लाइब्रेरी से लेकर आया था, फिर मैंने वापस छोड़ दिया उसको। इनफैक्ट मुझे अपने आप ही रोष आना शुरू हो गया था जिन टीचर्स के ऊपर, जिन मास्टर्स के ऊपर मैंने बड़ा उम्मीद के साथ अपनी रखी थी डिज़ायर्स। लेकिन फिर क्या हुआ, जब जब मैंने जेन योगा पढ़ा तो एक चीज़ मुझे क्लियर हुई कि मास्टर्स का रोल क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के बियॉन्ड है। और मेरा अपना ओपिनियन है कि यूजी कृष्णमूर्ति क्रिटिकल सर्टेन स्टेज नहीं क्रॉस कर पाए थे जब तक वो मास्टर्स को खोज रहे थे। और जो भी उनको मास्टर्स मिले हैं, चाहे कृष्णमूर्ति मिले चाहे रमण महर्षि मिले, वो आपको बिल्कुल नहीं हेल्प कर पाते जब तक आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के नीचे हैं। और जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के उस पार जाते हैं तब आपको मास्टर एक्चुअली उंगली पकड़ करके हेल्प करता है। लेकिन वो स्टेज बहुत कम लोग, बहुत ही कम मास्टर्स ने एक्सपीरियंस किया है। और जो भी आदमी देख पाता है कि मॉलिकुलर वर्ल्ड में उनके मास्टर्स उनको हेल्प करते हैं, वो लोग फिजिकल वर्ल्ड के मास्टर्स की ना बड़ाई करते हैं ना बुराई करते हैं। ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर यू जी कृष्णमूर्ति सारे टीचर्स की और सारे स्पिरिचुअल गुरुज की कटाई कर रहे हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल किसी टीचर की ज़रूरत नहीं हो, तो मास्टर्स के ही बारे में बात रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरुज के बारे में ही बात कर रहे हैं, उन्हीं को काट रहे हैं। एक्चुअल वे क्या है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जब मैं जेनों का पढ़ता हूँ या इवन कृष्णमूर्ति की जब मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो मैं कृष्णमूर्ति को एज अ गुरु नहीं समझ मैं पढ़ रहा हूँ। वो मेरे लिए एक, ये मेरा माइंड है और मेरे माइंड को समझने के लिए उनके शब्द एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाते हैं। जैसे आज मैं एक पढ़ने वाला हूँ, पावर के ऊपर मैं एक टॉपिक पढ़ने वाला हूँ हम लोगों के प्राइम के लिए। तो पावर में मेरा माइंड कैसे बिहेव करता है मैं वैसे शायद ना समझ पाऊँ, बिकॉज मैं अभी पावर में नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास मैं किसके ऊपर पावर दिखा सकता हूँ, अपने वाइफ के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपने नौकरों के ऊपर? तो उस समय मैं किस तरह से अपने आप को छलावा देता हूँ ये पकड़ पाना मेरे लिए मुश्किल है। और इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कृष्णमूर्ति की बुक्स में, जे कृष्णमूर्ति की बुक्स में ढेर सारे, इतना ढेर सारा वॉल्यूम्स है कृष्णमूर्ति का, लोगों से बातचीत का। तो मुझे वो एज अ थर्ड पर्सन बगल में बैठ करके दो लोगों की बात करना, मुझे वो सुनना है। मुझे ना कृष्ण को, ना कृष्णमूर्ति को, ना ओशो को, ना नानक को किसी को अपना गुरु नहीं बनाना है। मुझे दोनों के बीच में बैठ करके, एक आदमी सवाल पूछ रहा है एक आदमी जवाब दे रहा है, तो उनके बगल में बैठ करके उनकी बात सुननी है कि हो क्या रहा है एज अ थर्ड पर्सन। क्योंकि आपको पता है ना, नॉलेज हमेशा अननोइंगली आता है, अनजाने से आता है। जब आप कोई चीज़ खोज रहे हैं अंदर में, कोई स्पेसिफिक चीज़ खोज रहे हैं, एनलाइटनमेंट खोज रहे हैं या अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खोज रहे हैं, तब बड़ी मुश्किल होती है उस चीज़ को समझना, बिकॉज हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमारे मन में बहुत जोर पकड़ के रखता है। इवन एनलाइटनमेंट का प्रॉब्लम अपने आप में बड़ा जोर पकड़ के बैठता है, बिकॉज हमको एनलाइटनमेंट का एक वो डेस्परेटनेस होती है कि हमको यही एनलाइटनमेंट चाहिए, और वही डेस्परेटनेस हमको समझने में ब्लॉक करता है। तो यूजी कृष्णमूर्ति जब ये कहते हैं ना कि किसी मास्टर को मत पढ़ो, उनकी जितने भी मैंने शास्त्र पढ़े उनको बार बार यही था कि भाई वो इतने गुरुज के पास गए थे, इतने ढेर सारे गुरुज के पास गए थे कि ये छक गए थे बेचारे, परेशान हो गए थे गुरु से, और उनको गुरु से नहीं मिला जो चीज़ वो चाहते थे। बाद में कह रहे थे कि एक बार कृष्णमूर्ति के कोई टॉक में बैठे हुए थे वो, इनफैक्ट उनकी दो तीन मुलाकात हुई थी कृष्णमूर्ति से, और बहुत बार वो ऐसे हड़का देते थे कृष्णमूर्ति को कि मुझे आपकी बात नहीं सुनी, आप गलत बोल रहे हैं, आपकी वह बात ठीक नहीं लगती है, और फिर वो चले जाते थे वहाँ से। तो अब चूंकि उनका एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ इतना नहीं, ठीक नहीं था, कि ही जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग अगेंस्ट गुरुज, तो ये बायस कर देगा। ना गुरुज के प्रो होना है, ना गुरुज को अपना भगवान मानना है, सब कुछ मानना है, ना ही तो उनके एंटी होना है। बस एक थर्ड पर्सन की तरह हर किसी को सुनिए और अपने माइंड को के रिस्पॉन्स को देखिए, आपका माइंड कैसे फ्लावर कर रहा है। और इसी रवैये से सारी किताबों को पढ़ें। अगर कोई बुक आपको नहीं हेल्प कर रही है माइंड को समझने में, तो अभी आपके लायक नहीं है, चाहे वो कितनी भी अच्छी बुक हो। ऐसी बहुत सी स्क्रिप्चर्स हैं जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया हूँ, अभी बाइबल नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं अभी मैं कुरान नहीं पढ़ पाया हूँ, कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाया हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सी बुक्स भेजी हैं, स्पिरिचुअल बुक्स भेजी हैं, लेकिन मेरे पास
भाई उनको 2-3 10 पेजेस मैंने पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि खाली वो बुक्स में कोई प्रॉब्लम है, मेरे माइंड की और उस बुक की कोई थॉट की फ्रिक्वेंसी नहीं मैच कर रही, जिसको वासनाज बोलते हैं वो मैच नहीं कर रही है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइंड जिनेवा के साथ या कृष्णमूर्ति के साथ नहीं मैच कर रहा हो, क्योंकि जो जब दो माइंड एक जैसे होते हैं, एक एक तरफ से सोच पाते हैं, एक तरह के साउंड में रेजोनेट करते हैं, तब जाके अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर होती है। तो मैं आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ कि नाम को या टीचर्स को या आइडियाज़ को मत पकड़िए, अपने माइंड को पकड़िए, उसके रिस्पॉन्स को पकड़िए। थैंक यू दोस्तों। हम लोग ढेर सारी अलग अलग टाइप की बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स को और बिजनेस की बुक्स को और डिसीजन मेकिंग की बुक्स को हम लोग वीडियो फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सपीरियंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो सारी बुक सीरीज़ आप प्राइम के ज़रिए देख सकते हैं, और उसकी 1 साल की फ़ीस लगती है। आप नीचे नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्पिरिचुअलिटी का ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, जिसमें कि आपको मैं पर्सनली गाइड करता हूँ जनों का समझने में और उसको प्रैक्टिस करने में। तो वो 2 साल का प्रोग्राम होता है, आप चाहें तो उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, 4-5 महीने में भी कवर कर सकते हैं। तो जनों का बेसिक कोर्स के नाम से हम कराते हैं। और एक हमने अभी नया चालू किया है, उसको बोलते हैं एंटी फ्रेजाइल बिजनेस बेसिक कोर्स, जिसमें कि आपको बिजनेस की से रिलेटेड जितने भी डिसीजन मेकिंग्स होते हैं उसको समझने में हेल्प होगी इस कोर्स के ज़रिए। तो आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। अभी बहुत जल्दी हम लोग एक पेरेंटिंग की कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया है, बहुत जल्दी करने वाले हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।